हेलो चिल्ड्रन, आज हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये इस लेक्चर का थर्ड पार्ट हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले आज हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सेंटर में होता है। यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, न्यूक्लियस देखिए, ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन ये है न्यूक्लियस का, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस जो है ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है सेल का, ठीक है। जनरली सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जब सेल जो है यंग होता है, छोटा होता है, यंगर कंडीशन में होता है सेल, तो न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में होता है सेल के। मगर जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है तो न्यूक्लियस जो है पेरीफेरी में सेल के पेरीफेरी में रहता है। जो न्यूक्लियस जो होता है सेल को पूरा कंट्रोल करने का पावर इस न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम एक एक करके हम देखेंगे। तो पहले इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से देख लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। ये जो सेंटर में दिख रहा है, ये सेंटर में जो दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट कॉल द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है ये डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स जो होता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण ही जो मटेरियल का एक्सचेंज, मतलब न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियर के बाहर, इसको कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स ही करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो ये पोर्स मटेरियल के एक्सचेंज करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल का डिवीजन होता है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स जो है ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखिए ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल दिख रहा है इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। आप लोग देख रहे हैं सामने, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो स्ट्रक्चर होता है ये एक जेल जैसा डेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये विद इन द न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि न्यूक्लियोप्लाज्म में जो क्रोमैटिन मटेरियल है और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अब देखिए क्रोमैटिन मटेरियल, नेक्स्ट पार्ट है क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियस का। अब ये जो है आप यहाँ सेल में देखेंगे, सेल के इस न्यूक्लियस वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये आपको यहाँ पे ये जो नेटवर्क वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, सारा जो नेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज़ व्हाट कॉल द न्यूक्लियो क्रोमैटिन सॉरी कॉप क्रोमैटिन मटेरियल। ये नेटवर्क स्ट्रक्चर जो है ये क्रोमैटिन मटेरियल कहलाता है। अब ये जो है ये क्रोमैटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, अब जब सेल का डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन मतलब एक सेल से बहुत सारे सेल के बनने के प्रोसेस को हम कहेंगे सेल डिवीजन। तो ये जब सेल डिवीजन होता है तो ये सारे जो क्रोमोसोम्स, जो क्रोमैटिन मटेरियल जो है, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स बनाते हैं सेल डिवीजन के समय। और ये एक क्रोमोसोम जो बनता है डीएनए से और प्रोटीन से। डीएनए मतलब क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। अब डीएनए का फंक्शनल यूनिट होता है जीन्स। जीन्स जो है सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। जीन्स जो है डीएनए का फंक्शनल यूनिट है, और जितने डीएनए में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है जीन्स। अब वन क्रोमोसोम्स में मैनी जीन्स आर प्रेजेंट। अब एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स जो है ये जो है हमारे जो हेरिडिटरी व्हीकल्स भी कहा जाता है। ये हमारे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने का काम ये जीन्स ही करते हैं। अब इसके बाद क्रोमैटिन नेटवर्क के बाद फोर्थ पार्ट होता है न्यूक्लियस का, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है ये स्पेरिकल या फिर ओवल शेप होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंस होता है, ठीक है। ये जनरली ब्रिगर इन सेल, ये जनरली जिस सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस मतलब
प्रोटीन का फॉर्मेशन का काम होता है, उस सेल में ये जो न्यूक्लियोलस होता है इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। और जब ये जो सेल में डिवीजन नहीं होता है इसमें ये न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट होता है, मगर जिस सेल में डिवीजन होता है इसमें न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा छोटा होता है, कंपेरेटिवली स्मॉल होता है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोलस है इसमें बहुत सारे आरएनए और प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और कभी कभी कुछ अमाउंट में इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन है इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ सेल। सेल का जितना भी मेंटेनेंस का काम है ये जो मेंटेनेंस का काम जो करता है ये न्यूक्लियस करता है। और सेल्फ इट हेल्प इन सेल डिवीजन, और न्यूक्लियस में ये जो न्यूक्लियस जो है मेन जो सेल डिवीजन में जो काम आने वाला सेल डिवीजन का काम आता है न्यूक्लियस का। सेल का जब डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इस आप ही आपको मैंने बताया कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये क्रोमोसोम्स जो है इनहेरिटेंस करता है कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और बहुत सारी जो है साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने का काम भी ये न्यूक्लियस ही करता है। अब देखिए आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहेंगे क्रोमैटिन, और सेंटर में जो बिल्कुल डार्क बिल्कुल स्ट्रक्चर उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस, ठीक है। और जो न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग है उसे कहेंगे न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाद हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। अब जैसे कि देखिए ये सेल का स्ट्रक्चर है, सेल के स्ट्रक्चर में ये जो सेंटर वाला पार्ट है दिस सेल के स्ट्रक्चर में दिस सेंटर पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, और दिस इज व्हाट कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन्स, दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन्स, और ये जो सेंटर में जितना ये पार्ट दिख रहा है ये जिस तरह का दिस इज व्हाट कॉल्ड द क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म, सॉरी दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। अब इस सेल में ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसे हम कहेंगे न्यूक्लियस, इसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, और ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ये फ्लूइड होता है, ठीक है, ये कहाँ होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर। फिर से मैं बता रही हूँ साइटोप्लाज्म जो है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड होता है उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये बहुत सेल का सबसे बड़ा रीज़न होता है, सबसे ज़्यादा सेल का सबसे ज़्यादा पार्ट कवर साइटोप्लाज्म ही करता है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होता है और सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है, और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के पार्ट्स इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है काय काय से बना हुआ है, फैट से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ है। अब ये साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल मतलब सेल ऑर्गेनेल के बीच में और सेल के बीच में जो सब्सटेंस का मटेरियल का एक्सचेंज करने में ये काफ़ी हेल्पफुल करता है, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन जैसे ग्लाइकोलिसिस है और ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट लेता है। जब हम सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो देखने के समय जब हम स्टेन करते हैं तो स्टेन करने के समय जो सबसे लाइट स्टेन जो पार्ट होता है उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। अब उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको मैंने बताया था कि सेल टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो हम इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम साइज देखेंगे। जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं। अब न्यूक्लियर रीजन, प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं, मतलब न्यूक्लियर के आसपास कोई कवरिंग नहीं होती है, ठीक है, मगर यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के पूरी कवरिंग होती है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होता है।
अब जो है प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल होते हैं और सर्कुलर इन शेप होते हैं, मगर यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे होते हैं, वो लंबे लंबे लीनियर अरेंज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक सेल में जो है सेल ऑर्गेनेल्स जो मेंबर बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, मगर यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स जो है यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो सिंपल फिजन होता है, सिंपल डिवीजन होता है, मगर यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन की प्रोसेस माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होती है। अब न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, मगर यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं और साइटोप्लाज्म में वो रैंडमली मतलब कैसे भी कहीं पे भी अरेंज होते हैं, मगर यूकैरियोटिक सेल में ये राइबोसोम्स जो होते हैं ये इनका साइज बड़ा होता है और ये अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ये अटैच होते हैं और कहीं कहीं पे ये फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आप देखेंगे सामने दोनों के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट देखिए आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, यहाँ पे भी आप सेकंड पार्ट में दोनों पे इसमें आप हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।